Rise and Shine with Beharia University. And जो आज हमारे साथ guest मौजूद हैं उन्होंने उनको आपने काफ़ी दफ़ा बैठक में भी देखा होगा और literally वो जब आए हैं मेरे साथ बैठे हैं, मैंने उनसे थोड़ी देर शो से पहले बात की है. So I literally feel like कि आज का शो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लेट्स मूव टूवर्ड आवर गेस्ट. हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर अज़हर अहमद और उन्होंने अपनी PhD डिग्री जो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में की है और उनकी ज़िंदगी में उनके बारे में हम उनसे खुद ही जानते हैं. सो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है. एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो सर. थैंक यू फॉर होस्टिंग मी. सर हम शुरू से बात करते हैं, फ्रॉम द रियली बिगनिंग, आपके बचपन से. तो आप पैदा कहाँ हुए, फिर बचपन कहाँ गुजरा? लेकिन लाइटन मी अबाउट दिस. लंबा हो जाएगा, बचपन से बचपन तक जाते जाते तो फिर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें हम. बचपन बड़ा सिंपल सा था. मैं आई एम द फिफ्थ, द यंगेस्ट इन माय सिबलिंग्स, तो उस लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा लाडला था शायद. लेकिन यह है कि पढ़ाई में अच्छा रहा, स्कूलिंग मेरी अच्छी रही हमेशा से. तो सर कहाँ पर पैदा कहाँ हुए जो है? मैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं पैदा हुआ विच इज़ नाउ बांग्लादेश, ढाका में मैं पैदा हुआ. रियली? ठीक. तो ढाका में सीएमएच में पैदा हुआ क्योंकि मेरे फादर ही वॉज इन आर्मी, तो वो उस वक्त वहाँ पे पोस्टेड थे. तो मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं बहुत आई वॉज वेरी यंग जब वो वहाँ से हम आ गए. तो उसके बाद देन ऑफ कोर्स हियर आई एम. सो आपने स्कूलिंग बांग्लादेश में की और फिर? नहीं, स्कूलिंग मैंने बांग्लादेश में शुरू नहीं की. स्कूलिंग आई स्टार्टेड इन एबटाबाद. एबटाबाद में अभी वो FG पब्लिक स्कूल कहलाता है, उस ज़माने में उनके नाम केंट पब्लिक स्कूल हुआ करते थे. जी. तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग शुरू की थी अपनी. और मुख्तलिफ जगहों पे, सिंस द फादर वाज इन द आर्मी, तो वो आपको पता है कि रोमिंग अराउंड, दो चार साल बाद पोस्टिंग हो जाती है, तो वो शिफ्ट करते जाते हैं. तो सर किस तरह के बचपन में आप किस तरह थे? आपने कहा कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, कुछ ज़्यादा ही नर्ड टाइप के थे आप या फिर जो है वो थोड़ा शरारती? और आप यंगेस्ट भी थे सो मस्ट भी होंगे थोड़ा शरारती. यस, शरारती था मैं. लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं फिर भी मेरा शुमार अच्छे बच्चों में होता था. बदतमीजी और शरारत में फर्क? जी बिल्कुल. तो मैं पेरेंट्स का तो था ही था, लेकिन मैं टीचर्स का भी लाडला था क्योंकि आई वाज एक्टिव. मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव था, पढ़ाई में भी अच्छा था. और वो शरारत वगैरह भी वो जो होती थी वो इस किस्म की नहीं होती थी कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए. मैं सोशली बात करूं तो जो स्टूडेंट टीचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है ना, वो अपनी गैदरिंग में स्टूडेंट्स को पसंद नहीं होता. कभी आपने ये कॉन्फ्लिक्ट फील किया स्टूडेंट से? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो स्कूल लाइफ में आई वॉज एक्टिव इन स्पोर्ट्स, आई वॉज द हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल. लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मेरी आज तक कोई भी फ्रेंड नहीं है, लाइक नो बेस्ट फ्रेंड टिल माई बर्थ, फ्रॉम माई बर्थ टिल नाउ, तो मुझे कोई स्टूडेंट्स पसंद नहीं किया करते थे, टीचर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे. तो आपने ये चीज़ फेस की है? नहीं, नॉट रियली. मेरा ख्याल है कि एक तो शायद मैं वो उस तरह का नहीं था जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत पढ़ाकू टाइप. तो वो मैं बिकॉज ऑफ गेम्स, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो मेरे ग्रुप्स थे उनमें मेरी गपशप रहती थी, तो इस वजह से वो इशू मुझे कभी नहीं हुआ. फिर वो मैं उस तरह का नहीं था, शिकायती टाइप होता ना कि ज़्यादा पढ़ने वाले. वो आपने होमवर्क दिया था, वो आपने होमवर्क चेक करना वो नहीं किया, तो उस तरह का नहीं थे था. तो उस तरह के और मौजूद होते थे, तो वो हम बल्कि उस वक्त हम दूसरे ग्रुप के साथ होते थे. तो सर आपका ये आगे आना, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, कुछ नया मिला सीखने को? जी, कॉलेज तो ऑनेस्टली जिसको आप ट्रू कॉलेज के, आई वॉज इन FC कॉलेज लाहौर जी, जो कि बड़ा अच्छा और वो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. फर्स्ट टाइम हॉस्टल में जाना और वो आपको अगर अंदाज़ा हो थोड़ा फ्रीडम मिला होता. वो जगह भी ऐसी है कि इट्स राइट इन गुलबर्ग, वो बड़ा, इट्स वेरी स्पेशियस, लंबे लंबे लॉन्स. तो वहाँ पे वो सारे फिल्म एक्टर्स वगैरह भी बसंत हमारे लॉन्स में ही आके मनाते हैं. फिर वो
इंटरेक्शन वगैरह आपका यूज, तो दैट वाज एक्सीलेंट, बट दैट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड क्योंकि आई जॉइन नेवी, तो वो मैं फर्स्ट ईयर में ही, तो वो थोड़ा जो एक्सपोजर था स्ट्राइक्स वगैरह का होना, कनेट कॉलेज जाके स्ट्राइक्स करवा देना और इस तरह के शगल वगैरह वो सारे थे, बट देन आई जॉइन नेवी, तो बाकी फिर मेरी जो स्टडी है मोस्टली वो फिर नेवी में हुई। पीएचडी फिर एंड में मुझे मैंने नेवी छोड़ के की, बट बिफोर दैट एमएस तक सारा जो है वो मेरा नेवी में होते हुए। सर अक्सर लोगों से अगर मेरी बात होती है जो कि इन्होंने अपनी अर्ली एजेस में नेवी या कोई मिलिट्री ज्वाइन की होती है, सो वो ये बात करते हैं कि जब हम वहाँ गए तो हमारे सारे मज़े ख़त्म हो गए, मतलब दे मिस द नॉर्मल लाइफ। तो जिस तरह से आपने कहा कि मुझे बस वो एक साल जो एक्सपोजर होना था वो हो गया, अक्सर मुझे मेरे मामू नेवी में मिलिट्री में, सो वो कहते हैं कि बेचारों की बड़ी तरसी हुई ज़िंदगी होती है जो स्पेशली मिलिट्री में होते हैं एज अ सोल्जर। अब मेरा ख्याल है नेवल ऑफिसर शायद ये बात आपको कम करेंगे, नेवी का तो आप पता है ज्वाइन नेवी सी द वर्ल्ड एंजॉय द एडवेंचर, तो वो तो हम मोटो ही डिफरेंट है, तो आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है। इनिशियल ट्रेनिंग यस जाहिर है सारी सर्विसेज में इनिशियल ट्रेनिंग आपकी ज़रा सख्त होती है, वो जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ में स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेना, फिल्म एक्टर्स के साथ पतंगे उड़ाना, गुलबर्ग की सैरें करना, खाबे खाना लाहौर के, वो चीज़ नहीं रहती, लेकिन ये है कि वो आपके अंदर एक ख़ास नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन और वो चीज़ें आती हैं, आपकी पढ़ाई बेहतर हो जाती है, उधर जो स्ट्राइकें वगैरह होती हैं वो जी, नहीं जी, होती जी। तो दोनों के प्लस हैं, थोड़ा डिफरेंस आपको लगता है। सर जब आप नेवी आपने ज्वाइन की, सो कुछ वो जो ख़ास एक अंदर से इंथुजियाज़म आता है इंसान को कि मैं अब अपने मुल्क को सर्व करने लगा हूँ, तो वो आया और थोड़ा कुछ थ्रिलिंग था आपके लिए आपकी जॉब, जब आप सॉरी जॉब कह रही हूँ नेवी जो है स्टार्टिंग में जब आपने एंटर हुए आप इसमें? सच बताऊँ, अच्छा एक तो बड़ा क्लियर के शुरू में तो मेरे जहन में नेवी थी नहीं, क्योंकि नेवी इज़ काइंड ऑफ रिमोट, हम जो यहाँ पे ख़ास तौर पे लोग हैं पंजाब वगैरह में ये वो, उनके लिए समंदर बहुत दूर है, हमें पता नहीं होता कि समंदर किधर है, नेवी क्या है ये वो। मैंने फादर को देखा था हमेशा से आर्मी यूनिफॉर्म में, तो मैं हमेशा एस्पायर करता था, मैं बल्कि फादर के साथ वो बीइंग यंगेस्ट मैंने बताया लाडला भी था, तो मैं जो ऑफिशियल फंक्शंस होते थे मैंने बाकायदा वर्दी सिलवाई हुई थी, वही फादर के रैंक्स वैंक्स रिबन शिबन सारे, तो मैं उनके साथ यूनिफॉर्म में हर जगह जाता था ये वो, तो आर्मी थी मेरे जहन में। बट देन स्टेज केम के वो मेरे वो फादर ने ही मुझे कहा कि यार ये नेवी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है और वो आप करें ये वो, तो इनिशियली मैं वहाँ जाके कुछ बिकॉज थोड़ा सा शायद लाडला होने की वजह से भी पहली दफ़ा इतने दूर कराची आप चले गए, तो कोई इनिशियल डेज ट्रेनिंग के मेरे को ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं गुजरे, बट कई दफ़ा मैंने सोचा कि यार निकलता हूँ छोड़ देता हूँ ये वो, फादर का तो खैर है यार थोड़ा टिको, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता आई ग्रेजुअली स्टार्टेड लाइकिंग वो, जब थोड़ा सा एक्सपोजर होना शुरू हुआ, जब देखा अच्छा सी लाइफ क्या है बड़ी ज़बरदस्त पता चलना शुरू हुआ, शिप की बहुत ही डिफरेंट और बड़ी जो है वो एस्पायरिंग लाइफ होती है, बड़ा आप इंजॉय करते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मज़ा आना शुरू हो गया नेवी के अंदर, तो उस लिहाज से यू आर राइट। और सर मैंने आपकी डिग्री में सीवी में देखा, सो यू हैव डन दैट डिप्लोमा इन पर्शियन, व्हाई इज़ इट सो? जी वो उसी पार्ट ऑफ द सर्विस हमारे यहाँ ये है कि जब आप स्टाफ कॉलेज करते हैं सर्विसेज के अंदर, तो जो टॉपर्स होते हैं उनको फिर वो मौका देते हैं कि वो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में जाके तो वहाँ के स्टाफ कॉलेजेस के अंदर अपीयर हो और वहाँ करें, उसके ड्यूअल फ़ायदा है ज़ाहिर है, एक तो आपकी फर्दर ग्रूमिंग होती है प्रोफेशनली, दूसरा आपका इंटरेक्शन दूसरी सर्विसेज के साथ हो जाता है, तो आप एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, तो मुझे अपॉर्चुनिटी
मिली कि मुझे जो है नॉमिनेट किया गया ईरान के लिए। तो बिफ़ोर गोइंग टू ईरान, वो आपको एक यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स कराते हैं लैंग्वेजेस का, ताकि वहाँ जाके, चूँकि वहाँ कोर्स हमारा पर्शियन लैंग्वेज में था, इंग्लिश में नहीं है, बाकी तकरीबन ज़्यादातर मुल्कों के अंदर आप जहाँ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बट वहाँ इट वाज़ इन पर्शियन लैंग्वेज। तो वो एक इनिशियल स्टार्टअप के तौर पे कि वहाँ जाके आप जो है वो स्टार्ट कर सको, आपको यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो वो सर बीइंग इन द नेवी, लेकिन इंसान काफ़ी इन टू इन द वर्क, लाइक आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज योर हॉबीज जो आप आपको अच्छा लगता था? कुछ लोग स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग जो भी, आपको क्या पसंद था इन योर लेजर? मुझे एज आई मेंशन कि मैं बचपन से ही, इट वाज इन माय जीन्स, शायद मेरी फैमिली में है कि वी आर ऑल गुड स्पोर्ट्समैन, स्टार्टिंग फ्रॉम माय फादर, तो हम सारे के सारे, तो स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था, ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट्स, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो वहाँ पे भी जाके जो ज़्यादा टाइम मेरा था अदर देन दी ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एकेडमिक्स, तो स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा मसरूफ रहा। फिर आई लाइक पीपल, फ्रेंड्स, आउटिंग विद फ्रेंड्स, शुगल मेला, खाना शाने, लेकिन मेनली वो रहा। फिर आपको पता है कि छोटे छोटे एपिसोड्स में आपकी कुछ हॉबीज चेंज हो जाती हैं, कभी आपको रीडिंग का जुनून हो गया, आपने आई गॉट इट फ्रॉम माई फादर के, वो कहते थे पढ़ने का, रीडिंग शुरू कर दी, वो छोड़ के कहीं आप शेर व शायरी की तरफ चले गए, फिर वो आप जो है किसी और डायरेक्शन में चले गए, लेकिन स्पोर्ट्स मेरे साथ जो है वो हमेशा से मुंसलिक था। सर अभी आपने शेर व शायरी की बात की, कोई पसंदीदा शायर आपका? पसंदीदा शायर मुझे रईस अमरवी साहब बहुत पसंद थे, उनके मैं रेगुलर, वो जब तक जिंदा रहे उनका एक, वो नवाए वक्त में सर राय के साथ एक वो कथा आता था, तो वो मैं बड़ा ज़रूर शौक से पढ़ता था। उसके अलावा जाहिर है यंगस्टर्स को फराज़ जो है बहुत इंस्पायर करता है, तो अहमद फराज़ को जो है वो शौक से पढ़ा सुना। बट व्हेन आई से दैट, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं को बहुत ज़्यादा शायरी में करता रहा, कुछ वक्त ऐसा भी हुआ कि वो इकबाल को भी। सर मेरे हिसाब से आपकी शायरी की जो पसंद होती है वो आपकी उम्र के हिसाब से बदलती जाती है। दैट्स ट्रू, कि पहले आपको गज़लियात पसंद होती हैं जो आपको बेसिकली अक्सर पढ़ाई भी जाती हैं, हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जिन्होंने एफएससी या फिर इन्होंने अभी उस उम्र को मैं पहुंचा नहीं, वो जब सीरियस गज़लें वज़लें। तो सर आपको फराज की शायरी किस उम्र टाइम स्पैम तक पसंद थी, या भी है? आप भी है, क्या खास बात थी सर शायरी में? फराज के अंदर एक तो वो जो आपका वो नेशनलिज्म को उभारना, बुराई के खिलाफ खड़े होना, कुछ वो मेरे भी वो एक, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स में ये था कि अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा उम्र के साथ तजर्बे से स्पीच, मैं बहुत आउट स्पोकन रहा हूँ, मैं हमेशा जहाँ भी कोई गलती देखी, वो फिर सीनियर है या जूनियर है, वो मैं बता देता हूँ कि भाईजान ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जो है ना ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो वो मुझे एक वो झलक वो नज़र आती थी कि यार ये तो मेरे मतलब की बात करता है, तो इस वजह से। सर आपने अपनी आई गेस पीएचडी डिग्री पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में की थी, तो सर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों, आपने ये चीज़ क्यों चूज की? एक तो बेटा ये मैं आई से दैट प्राउडली कि मैं पाकिस्तान से आई एम द फर्स्ट वन टू अर्न दिस डिग्री इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, ये एक मुझे एजाज़ कह लें बाय डिज़ाइन और बाय डिफ़ॉल्ट कि मैं पहला शख्स हूँ जिसने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में डिग्री ली है, क्योंकि ये नया डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ था और इंटरनेशनल रिलेशंस से भी रिलेटेड था, कि वो एक वो जो मेरी जस्तजू थी कि मैं पढ़ूं और सीखूं,
और दूसरा फिर जो सर्विस के लिहाज से एक हम लोग जो है वो वार और कॉन्फ्लिक्ट और उस पे जो है काम करते रहते हैं, तो मुझे लगा कि जो है इस ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड सब है। फील्ड है और इसको समझने में और फिर नया होने का भी एक था कि यार ये एक नया काम मैं करूँ, मैं कह सकूँ कि ये एक नया नॉलेज है मेरे पास। ठीक है सर। सो द व्यूअर्स, यू मस्ट बी इंजॉइंग जो हम जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, और आगे भी हम जरूर बात करेंगे, बट एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। वैसे ब्रेक छोटा सा था, लेकिन आपको लंबा लगा होगा क्योंकि हमारी गुफ्तगू इतनी इंटरेस्टिंग चल रही है। एंड लेट्स टॉक अबाउट सम गेम सेशन। तो हमेशा की तरह एक छोटा सा सर के साथ हम गेम सेशन करेंगे, दैट विल बी अबाउट अ रैपिड फायर। लेकिन सर इस बात पर ये कह रहे थे कि रैपिड फायर वो तो काफ़ी स्लो बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत और धीमे अंदाज से, तो वो रैपिड फायर किस तरह करेंगे? तो मैंने कहा कि सर आप मैं अपनी रैपिड पूरी करूंगी, आप स्लो जवाब देना। ठीक है, मैं रैपिड फायर कर दूंगी और सर स्लो जवाब दे देंगे। सो सर लेट्स स्टार्ट, आर यू रेडी? बिस्मिल्लाह। सर फेवरेट डे ऑफ द वीक? ऑल डेज आर गुड, हॉलीडेज? नो फेवरेट। नो फेवरेट। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी? नॉर्मली अबाउट एन आवर, सर इतना बट लंबा? इफ इट इज रिक्वायर्ड आई कैन डू दैट इन 10 मिनट्स, दैट्स ग्रेट क्योंकि सर। आई हैव दैट बैकग्राउंड ट्रेनिंग। फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो या फिर कोई भी ड्रामा सीरियल चाइल्डहुड? उफ, नॉस्टैल्जिया कहाँ ले गई हो आप मुझे। सर यू हैव टाइम, यू कैन थिंक अबाउट इट, आराम से मुझे जवाब दें, बिकॉज दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। व्हेन वी रिकॉल द मेमोरीज बहुत मजा आता है इस बात। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल वाकई। मुझे अब एग्जैक्ट वो नाम ही याद नहीं आ रहा, एक सुहेल राणा साहब का प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें वो बच्चों को, और आपकी काफ़ी सारी सिंगर्स जो हैं वो उस प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस हुई, वो प्रोग्राम मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं शौक से देखता था। कार्टून्स जो है, पिंक पैंथर, टॉम एंड जेरी उस वक्त था सर? टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी मैं उस वक्त भी शौक से देखता था, अब भी शौक से देखता सर हूँ, वो मेरी तो बेटी के साथ अभी मैं बैठ के जो है, अब तो खैर वो बड़ी होगी तो उसने छोड़ दिया, वरना जब तक वो देखती थी तो वो हम टॉम एंड जेरी दोनों सर बैठ के कुछ शोज ऐसे होते हैं कि अक्सर मैं अगर उदास होती हूँ तो मैं अपने वो चाइल्डहुड की, स्पेशली मैं अगर बात करूँ ड्रैगन टेल्स की, तो काफ़ी जो मेरी एज के लोग होंगे तो ड्रैगन टेल्स और एक ऑसवर्ल्ड, और तो ये दो शोज जो हैं वो मैं अक्सर लगाती हूँ तो मैं अंदर से खुश सी हो जाती हूँ, कि दैट्स माई सपोर्टिव पॉइंट जब मैं उदास होती हूँ। तो सर विंटर्स और समर? समर्स, सर वाई समर्स? मतलब पाकिस्तान की तो गर्मियाँ बहुत वो होती हैं, अच्छी नहीं होती तुमने मुझे हाथ नहीं मिलाया ना, जिन्होंने हाथ मिलाया उनसे पूछना, इस सर, इट्स सेम वक्त माय प्रॉब्लम विद फिंगर्स मी। आर कोल्ड, तो मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है, बट आई वुड रादर से कि आई एम अ स्प्रिंग पर्सन। यू आर अ स्प्रिंग पर्सन। सर फेवरेट वर्ड टू प्रोनाउंस, और आपके लिए मैं थोड़ा इसको एलेबरेट करती हूँ, पर्शियन में कोई ऐसा वर्ड जो यू लाइक टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी लगती है उसकी? बड़ा मुश्किल सा सवाल है, सर ये फेवरेट वर्ड टू प्रोनाउंस। अब सर अगर मैं कहूँ तो मुझे वर्ड कैजुअल, मुझे प्रोनाउंस करना बहुत अच्छा लगता है, वर्ड कैजुअल। सर आपको? कभी सोचा नहीं इस मामले में कि कौन सा वर्ड प्रोनाउंस करना अच्छा लगता है। कांट थिंक ऑफ वन।
उससे कोई बात नहीं, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. जिसको बोल के मजा आए, मैं फौरी तौर पे अभी नहीं सोच सकते. सर, फेवरेट टाइप ऑफ टी और कॉफी? नाइदर. I don't take tea, I don't take coffee. Sir, I have conflict from you, like right here on this tea and coffee thing. के सर क्यों, मतलब क्यों? मैं पानी, मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, unless they are fresh juices. Yes, वो पानी मेरे घर में जितने especially जो बच्चे होते हैं, मैं कहीं घर में जाऊँ ना तो उनको स्टैंडर्ड पता होता है, किससे पूछो मत, पानी का ग्लास रख दो सामने. आई एम ऑलवेज रेडी टू ड्रिंक वाटर. इन्होंने अभी मुझे स्टूडियो वालों ने नहीं पिलाया वैसे, लेकिन सर के लिए पानी, नॉट टी एंड कॉफी. अच्छा, तो सर फेवरेट सिंगर ऑफ योर्स? फेवरेट सिंगर अगेन डिफरेंट, वक्त में बदलते रहे, लेकिन मुनी बेगम, मुझे मुनी बेगम की गज़लें वगैरह बहुत पसंद हैं. अखलाक अहमद, आई लाइक अखलाक अहमद. एक ज़माने में ए नैयर जो है वो मुझे बहुत पसंद. सर, व्हाट डू यू से अबाउट आब्दा परवीन, उनकी स्पेशली जो कलाम? ब्रिलियंट. आब्दा तो नेचुरली वो तो एक बिल्कुल ही वो डिफरेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई ये कह सके कि मुझे वो नहीं कोई, पसंद कोई वो मैं कह नहीं सकता. लेकिन अगेन आब्दा को सुनने के लिए मुझे लगता है कि वो आपको फिर एक खास उसके माइंड के एनवायरनमेंट में बैठ के सुने तो मज़ा आता है. आप हर जगह हर वक्त आपदा को सुनना शायद आपदा की तोहीन है कि वो कर सके. तो सर ये सवाल मैं हर एक किसी से करती हूँ, आर वुमेन्स कॉम्प्लिकेटेड? लाइक आर वुमेन्स कॉम्प्लिकेटेड हैं या नहीं हैं औरतें? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल. नोबडी अंडरस्टैंड्स देम, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू. सर, डू यू थिंक दैट यू अंडरस्टैंड वुमेन्स, लाइक द वुमेन्स मेंटालिटी? आई डोंट, मैंने घर भी जाना है. तो सर फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वुमेन्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड? कहा ना, नोबडी अंडरस्टैंड्स देम, ये तो हमारा प्रॉब्लम है ना कि वी डोंट अंडरस्टैंड देम, वरना वुमेन्स आर सिंपल. अच्छा सर, डेमोक्रेसी, हमारी अकल थोड़ी है कि हम वो समझ नहीं सकते. सर, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू लाइक? व्हाटएवर इज गुड फॉर माय कंट्री. सर, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू लाइक? आई विल गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, नेचुरली swinging towards democracy. लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अच्छा डिक्टेटर आ जाता है और वो सही काम करता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. आई गो ऑन मेरिट. आजकल अगर डेमोक्रेसी ठीक नहीं है तो आप अगर देखिए, सॉरी चूँकि मैं पढ़ाता हूँ चाइना, तो इस वक्त चाइना का सिस्टम है दैट इज़ डिलीवरिंग. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो सिस्टम डिलीवर कर रहा है मुल्क के इंटरेस्ट में, दैट इज़ बेटर. वरना तो आपने चूंकि पूछा, उसके आपके अपना इस्लाम आपको बड़ा अच्छा सिस्टम देता है. सर, आर यू पॉलिटिकल पर्सन है या नहीं? पॉलिटिकल इन व्हाट सेंस? आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हु थिंक्स इज पॉलिटिकल. तो आप एक पॉलिटिकल सोच तो हर जी शऊर को रखनी चाहिए. लेकिन अगर आप ये कहना चाहें कि मैं, मेरा कोई रुझान हो कि मैं सियासत करूं और सियासत की तरफ जाऊं तो नो. सर नहीं, मैंने पता है अपने जहन में पॉलिटिकल बंदे को ना दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया. नंबर वन, जो कि उसको पता है कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है. एंड द सेकंड वन इज़ दैट कि जो हर 7 बजे से लेकर जो 11 बजे तक के लैन आर्ट तक जो शो चलता है वो सारे देखते हैं, सारे टॉक शोज. आई दैट पर्सन रियली इरीटेट्स मी कि जब आपको पता है कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंट्री, सो व्हाई यू आर वॉचिंग दैट मच ऑफ. और सर मेरे हिसाब से अगर आप एक शो, एक चैनल पर एक शो के बाद दूसरा शो देखते हैं ना, उनकी अपनी बातों में इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स भी ख़राब हो जाते हैं. अच्छा, एक तो उसके लिए आपको खासा वेला भी होना चाहिए कि आप सारे शोज देख सकें, तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है. लेकिन अवेयरनेस, यस, आपको अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए. आप वो पढ़ के भी करें, न्यूज़पेपर से भी लें, डिफरेंट मीडिया से आपको वो अवेयरनेस लेनी चाहिए. आई एग्री विद यू. टॉक शोज़ हमारे यहाँ नॉर्मली को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव या प्रोडक्टिव नहीं होते. तो ठीक है, एक टॉक शो अगर आपको कोई टाइम है और पसंद है तो देख लीजिए.
बाकी मुझे ज़रा इजाज़त भी कम है, एक तो घर में मैं वैसे टाइम कम लगाता हूँ, ऊपर से फिर टीवी पे अगर वो खबरें या ये लगा लूँ टॉक शो तो फिर वैसे ही माहौल। तो सर मैंने नोटिस किया आप लाडले बचपन में ही थे, सिर्फ अब आकर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लाइफ में। नहीं वो आप जाहिर है कि वो एक हद तक ये ही माँ बाप लाडले, ही होते हैं जो आपको एक हद तक ही लाडले रह सकते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरों को लाड कर सकते हैं, आपको लाड करने वाले कम रह जाते हैं। सर आपको कोई गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक फेवरेट कार और समथिंग? आई डू, आई 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 लाइक कार्स, दो आई कांट अफोर्ड देम बट यस आई लव कार्स, और वो जब मुझे मौका मिलता है सर कोई कि स्पेसिफिक कार अक्सर एंटीक में मुझे बताएं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फॉक्सी लेनी है, वो भी रेड कलर की। मतलब दिस इज़ माय एम, और उसका मैंने स्केच भी बना कर ना अपने जो राइटिंग टेबल है उस पर बन रखा हुआ है कि मैंने एक दिन तो ये ख़रीदनी है, रेड कलर की फॉक्सी। पता नहीं क्यों मेरी कोई अटैचमेंट है पुरानी गाड़ियों से। अच्छा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मेरा तो ये ख्याल था कि फॉक्सी के चाहने वाले अब जो हैं वो गुज़र गए, तो इस नस्ल में भी फॉक्सी के चाहने वाले हैं। फॉक्सी हैज़ बीन अ क्रेज़, फॉक्सी का एक अपना वो है, और जो फॉक्सी को पसंद करते हैं मुझे जो है, जो आपने चूँकि उस तरह बात की, क्राइसलर जो है वो मुझे मौका मिला चलाने का, तो आई लव दैट कार, मुझे क्राइसलर गाड़ी बहुत पसंद है। सर एनी सोशल मीडिया ऑफ अकाउंट ऑफ योर्स? आई हैव अकाउंट्स फेसबुक एंड लिंक्डइन एंड ट्विटर एंड व्हाट्सएप, बट फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स अदर देन व्हाट्सएप आई एम नॉट यूजिंग एनी यूजिंग एनी सोशल मीडिया एनी। अकाउंट? वो जब से बहरिया यूनिवर्सिटी का हुआ हूँ इस चीज़ के लिए टाइम टाइम नहीं नहीं रहा। रहा। सर फॉर अ जर्नी यू वुड लाइक टू हैव अ पेपर और अ कंप्यूटर, मतलब पेपर या फिर कोई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बुक बुक? पेपर या आई लाइक टू हैव समथिंग इन माई हैंड टू रीड रादर देन सर यूज द दिस इज सो टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थिंग जो कि कोई नहीं समझ सकता। कुछ बुक्स हैं जो कि पीडीएफ पर होती हैं, पर जब तक मेरे हाथ में या फिर कोई नॉवल है, रिसेंटली मैं जो है वो एल्केमिस्ट पढ़ रही हूँ, बहुत पहले पढ़ लेनी चाहिए थी बट आई एम रिग्रेटिंग, अभी पढ़ रही हूँ, चले देर आए दुरुस्त आए। तो जब तक कोई यू आर किताब मेरे ऑलरेडी एल्डर देन योर जनरेशन। सर लॉट ऑफ पीपल से जस्ट टू मी, तो सर जब तक मेरे हाथ में वो बुक नहीं होती ना, मुझे फील ही नहीं होता कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ। फ़ोन में तो मैं पूरी सारी की सारी बुक्स निकाल दूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता सर। और ये कोई समझ ही नहीं सकती ये कोई बात कि देखिए अगर मैं किसी को कहूँ हम तो। तो उस जनरेशन के हैं जिनको ये बताया गया था कि आपका बेहतरीन दोस्त आपकी किताब है, किताब है तो दोस्त तो फिर वो है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकें ना, वो आपने किताब पकड़ी हुई है, आप उसके साथ लेट भी गए हैं, आपने टेक भी लगा लिया है, वो हर तरह वो इसके साथ तो आप वो उस तरह नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के साथ एक वो गैप रहता है, आपका जो वो फीलिंग है उस तरह की डेवलप नहीं होती, बट देन आई हैव नथिंग अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। अब आजकल के बच्चे जो हैं सर, वो वो दे आर यूज़ तक मोर इन होता है। टू इट, वो और यूज़फुल। सर अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि तुम अगर ये बुक पढ़ लो तो ये मुझे हमें दे देना, तो मैं उनको ना बस चुप हो जाती हूँ इस बात पर। एक तो ये कि आई एम रियली पोजेसिव अबाउट माई बुक्स, और दूसरा दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं उसमें लिखती हूँ। अब रिसेंटली क्यों लिखती हूँ कि मैं रिसेंटली मैंने माइंड प्लेटर पढ़ रही थी, तो सर माइंड प्लेटर में शायद आपने पढ़ी हो, आपने देखी हो, ज़हरा नसीम की बुक है शायद। तो उस पर एक पेज पर सिर्फ एक कोट लिखा होता है, 3 से 4 लाइंस का एक पैराग्राफ होता है, उससे लंबा नहीं है उस पर एक भी पेज पर। तो पहले मैं वो जो इस तरह इस्तखारा लोग करते हैं ना, अब ये मेरी एक सोच है कि कुछ चीज़ें मैं दिन में हर रोज़ करती हूँ। सो वो बुक खोली और उस पर डेट डाली उस दिन की, और पहले वो पैराग्राफ पढ़ा, उससे जो कुछ सीखने को मिला वो दिन में अप्लाई किया, और फिर उसके बाद जो है ना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो उस पेज पर लिख दिया। सो अब मेरी कोई भी बुक जो है बगैर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खाली नहीं है, तो वो मैं लोगों को दे भी नहीं सकती अब। अब आपकी बुक्स भी आपकी डायरी बन गई हैं। सो इसलिए भी शायद मैं उनके बारे में काफ़ी पोजेसिव हूँ, बिकॉज मेरे मेमोरीज हैं उनके साथ, वो तारीखें लिखी हुई हैं। तो अब अगर मैं पुरानी सारी बुक्स उठाऊँ तो तकरीबन 2017 से लेकर अब तक सारी बुक्स पे मेरे साथ यही हुआ।
ठीक है, इट्स ऑल राइट। अच्छा, मेरे तो एक और भी जो है ना, वो बकौल मेरी बेटी के ओसीडी, वो आजकल आप लोग टर्म्स यूज़ करते हो ना, वो भी है कि मैं बड़ा, आई एम वेरी केयरिंग, मेरी बुक्स के मामले में जो है वो मैं बिल्कुल के कोई उसको मोड़े तोड़े नहीं, उसके साथ कोई जी जी गंदे हाथ जी ना लगा दे, कुछ कर दे, तो मुझे ये भी डर होता है किसी को देते हुए कि यार वो जो है ना, वो अक्सर लोग वो सफ़ा मोड़ के तो वो कर नहीं देते हैं कि नहीं अच्छा यहाँ पढ़ेंगे, जी वो टैग रख लो, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। तो वो इस वजह से फिर कुछ लोग अक्सर वापस भी नहीं करते, बहुत सी हमने सर एग्जैक्टली इस तरह होता किताबें है, लूज़ कर मतलब दी इस यू आर वजह से। ऑल्सो पोजेसिव अबाउट योर तो बुक्स। आई एम, सर मेरे हिसाब से ये अच्छी आदत है, क्योंकि शुरू से जब आप अपनी बुक्स के बारे में वो चीज़ जो आपको वैल्यू करती है ना, तो आप भी उसे वैल्यू करो। क्योंकि वो अक्सर लोग, कई तो जो है ना, वो किसी बुक क्लब से मिल गई किताबें, ये वो रखी हुई, उन्होंने, अच्छा जी हम तो पढ़ते नहीं है, ले लें, मैं उठा लेता हूँ फौरन, मैं कहता हूँ लाओ दे मुझे दो, दे दे यार किताब कौन नहीं रखता। सर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि फेवरेट कलर। वैसे तो खैर डिपेंड्स ऑन डिफरेंट शेड्स, लेकिन मेरा ख्याल है ब्लू मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, सर डिफरेंट अब ये शेड्स ऑफ ब्लू। इम्पैक्ट्स समंदर से कलर से आए हैं, लाइक ब्लू सी इज द ब्लू, स्काई इज द ब्लू, और नेवी वालों को तो सिर्फ समंदर और आसमान ही नजर नेवी का आता अपना है। रंग भी ब्लू है, ये भी शायद हो सकता है कि वो आपको बचपन में भी, वो लड़के और लड़की को पिंक और ब्लू से वो आप करते रहते हैं, तो कहीं रह गया हो तो उसमें। लेकिन वैसे अभी एक ज़माने में वो था, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि लेटली जब मैं जाता हूँ बाहर कोई चीज़ लेने के लिए अपनी, तो मैं कुछ जहन में कलर सोच के नहीं जाता, बट पर्टिकुलरली उस वक्त जो चीज़ मुझे स्ट्राइक कर जाए मैं वो लेता हूँ, नहीं तो मैं सोच के नहीं जाता कि मैंने ये लेनी है, ऐसी तो लेनी है या कुछ करनी है। सर आपके लाइक फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ योर, आपने तो कहा कि स्पोर्ट्स में तो मैं शुरू से था, बट कोई एक चूज कर दे मुझे, दैट्स द रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट अभी अभी तो इस वक्त तो अब तकरीबन सारी छूट गई, अब तो सिर्फ गोल्फ रह गई है, बाकी तो बहुत काम जो है कोई शुगल मेले के लिए हम खेल ले तो कर लें, वरना मुझे रैकेट गेम्स जो हैं, आई वॉज गुड इन रैकेट गेम्स और पर्टिकुलरली टेबल टेनिस, तो उस सर वो तो लिहाज अब से भी आप अवेलेबल है, आपको जब टाइम मिले आप खेला करें। जी। मैं वो अभी बस सिर्फ जब स्टूडेंट वीक होता है तो एक दो दिन जाता हूँ, वो खेल जी ले तुम, आई वांट कि मैं थोड़ी सी टाइम उसको दो ज़्यादा दूँ खेलें, लेकिन वो कम हो रही है। वैसे तो अभी स्टूडेंट्स वीक में हमने क्रिकेट भी खेल ली, तो वो सर चलती है। आप खाने के शौकीन हैं, और अगर हैं तो कुछ पर्टिकुलरली क्या खास पसंद है आपको? खाने का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बट ज़्यादा खाने का नहीं। जी खाने से मुराद ये नहीं है कि वो मैं, मेरी बड़ी लिमिटेड डाइट है, मैं उतना ही खाता हूँ, बट आई लाइक गुड फूड्स, मुझे मज़ा आता है कि वो डिफरेंट चीज़ें हों, टेस्टी चीज़ें हों, एंड गिवन द चॉइस आई प्रेफर प्रॉपर देसी खाना। साग, मकई या बाजरे की रोटी, मक्खन यू आर लस्सी सो के साथ, बेसिक पर्सन, तो ठीक है। वो बिल्कुल उस तरह। या फिर ऑन द अदर साइड मैं बॉयल चावल, साबित मसूर की दाल दही के साथ, दैट्स। सर अक्सर कुछ इस तरह होता है कि हमें किसी कल्चर का खाना पसंद होता है, जैसे कि अक्सर पठानों में वो जो एक खास पुलाव होता है, काबुली पुलाव, या फिर मज़े अगर का होता है। तो सर कल्चरली आपको कहाँ का खाना पसंद है? और आपने तो फिर ज़्यादा वक्त भी बहुत सी जगहों पे गुजारा है, मतलब बचपन से ही आज तक। गो फॉर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साग शाग ये वो, तो दैट वुड मीन पंजाब, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसका चाइना जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, बट बिकॉज माई वाइफ इज़ अ वेरी गुड शेफ़ और वो चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती है, तो इसलिए मुझे चाइनीज़ भी पसंद है। ठीक है सर। सर अब एक छोटा सा स्केलेट का सेशन है, उसमें आपको खुद को स्केल करना है फ्रॉम ये वन क्या टू होता टेन है? उफ,
ये तो दूसरे ही करें तो अच्छा है। नहीं सर, इंसान को अपनी एबिलिटीज का भी तो पता मैं चलता है अपने ना। आप को जज करना पसंद नहीं करता। नहीं सर, इट्स नॉट, अपने आप को जब जज नहीं करना, मैं शायद स्टार्ट करूं तो आपको लगे कि जो आपकी जहन में ये वो नहीं है एक्चुअली। कोशिश करके देखते हैं वरना एडिट तो हो ही जाएगा। ठीक है सर, स्केल इट सेशन में के हाउ गुड ऑफ यू एट ड्राइविंग, कितने अच्छे ड्राइव कर लेते हैं आप गाड़ी, लाइक 1 to 10? इफ यू आस्क मी आई विल गो फॉर 8, इफ यू आस्क माई वाइफ आई विल बी समवेयर एट 3-4। सर, कीपिंग सीक्रेट्स, 10। दैट्स रियली गुड सर। ये मर्दों में अक्सर 10 होता है, ये औरतें बेचारी अपनी मुंह नहीं बंद कर सकती। सर, फोटोग्राफी स्किल्स, मेबी 6-7। सो शौक है? एक ज़माने में मुझे शौक हुआ था, व्हेन आई वाज यंग, मैं कहीं पता नहीं बाहर गया तो आई बॉट अ कैमरा, ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा वो जूम शूम वाला ये वो, और मैं जहाँ जाता था लोग अपनी तस्वीरें ले रहे होते थे कुछ की, मैं पत्तों की और फूलों की और सब्ज़ी की और चीज़ों जी को स्टार्ट फोकस इसी से करके, करता है। कीड़ों की और वो, तो उस ज़माने में थोड़ी सी मुझे समझ भी आई, मेरा ख्याल है कुछ हाथ भी मेरा सेट हुआ। सेट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक तो वो उससे वो शौक भी शायद मौका नहीं मिला हुआ, फिर भी वो डिजिटल जो है वो आ गए, तो इनसे तो मेरा ख्याल है कि वो फोटोग्राफी होती ही नहीं है, टू बी सर, ऑनेस्ट। आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल राइट नाउ फ्रॉम 1 to 10? दैट्स अ हार्ड क्वेश्चन। इट इज़ अ हार्ड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि मैं आई गो समवेयर क्लोज टू 9, कि मुझे अगर आप सेटिस्फेक्शन इन दी सेंस कहती हैं कि जो मेरे साथ नेचर ने किया, मुझे जो अल्लाह ने दिया और जहाँ तक मैं पहुँचा अपनी जहाँ तक जिंदगी ख्वाहिशात की बात काम है, इल्मी के बावजूद जो चीज़ें मुझे मिली, मैं ख्वाहिशात के हिसाब से बड़ा लिमिटेड पर्सन हूँ, मैं बहुत एम्बिशियस पर्सन नहीं हूँ, तो उस तरह तो आई एम देयर एट 9-10। लेकिन अगर आप उसमें करें कि मैं, मुझे कुछ करना चाहिए था ज़्यादा और वो, तो वहाँ शायद मैं समझता हूँ कि मैंने अपने पोटेंशियल के मुताबिक दिया नहीं, मुझे जो मिला शायद मैं उस से जस्टिस नहीं कर सका। अच्छा सर, आपकी कुकिंग स्किल्स, गुड क्वेश्चन। सर माइनस भी तो नहीं जा रही ना? नहीं, सो मीन यू आर अ गुड कुक तो। नो आई एम नॉट अ गुड कुक, बट बेसिक्स आई कैन डू, आई कैन लिव एट माई ओन। मैं अपना अंडा शंडा बना सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ, अगर खाना भी बनाना पड़े, किसी ज़माने में तो मैंने आटा भी गूंदा और रोटियाँ भी बनाई, बट दैट वॉज प्रॉबेबली समवेयर एट योर, बल्कि इवन वैन आई वॉज यंगर, तो वो सारे काम मैंने किए, बट फॉर अ लॉन्ग मैन कहा ना वो जो है वो शादी वादी होगी, एक अच्छा हमें शेफ मिल गया मिल घर गया। में हु लाइक्स टू कुक, और अच्छा तो वो फिर इसलिए वो चीज़ें शायद बैकग्राउंड में चली गई, तो आई कीप समवेयर एट 5। सर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अब इस पर तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, ऑडियंस यहीं पे पकड़ लेंगे कि इसको बोलना नहीं आता, ये अपने आप को बड़ा नहीं अच्छा सर, ऐसी रेट कोई कर बात नहीं है। रहा। आजकल काफी कम लोग होते हैं जिनके पास मटेरियल बहुत ज्यादा होता है और उनको वक्त कम मिलता है। और आप इतनी खूबसूरती से, इतने धीमे अंदाज से बात करते हैं कि मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा आपके नक्शे कदम पर चलूँ और थोड़ा स्लो बात नहीं, किया करूँ। दैट्स काइंड ऑफ यू। आई थिंक आई एम नॉट बैड, आई थिंक आई एम नॉट बैड। मैं अपने आप को नंबर नहीं देता, वो नंबर आप खुद दे दीजिए, बट आई हैव डन ओके। सर मेरे हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिससे आप बात कर रहे हैं उस पर भी मैटर करती है, कि अगर आपका और उनका मेंटालिटी लेवल नहीं मिलता ना, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। नहीं, यही तो फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में है कि आपको, यू शुड बी एबल टू टॉक अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, जी कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्लास में हैं, आप कॉन्फ्रेंस में हैं, आप सेमिनार में हैं, आप वैसे ही बाजार में किसी के साथ बात कर रहे हैं या घर में बात कर रहे हैं,
तो असल कम्युनिकेशन स्किल्स तो वो हैं कि आप उसके मुताबिक अपनी ऑडियंस के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर सकें और बात कर सकें। किसी एक ख़ास पैटर्न के अंदर तो फिर आप हर कोई एक्सेल कर सकता है। सर ठीक है, उसके बाद एंगर लेवल, यकीनन आप गुस्सा नहीं आता होगा क्योंकि जितना मैंने आपसे बात की है, यू आर रियली चिल पर्सन। आई एम लेकिन अच्छा, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। जी वो जब वो फटते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं कि वो जब रोकते रहते हैं तो फिर एक स्टेज आती है कि फिर वो ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। जी। लेकिन मेरा ये है कि मुझे अगर आता है, एकदम आता है गुस्सा कुछ ख़ास बातों पे जो मेरे मिजाज के खिलाफ हो, लेकिन मैं रिकवरी मेरी इज़ गुड, मैं उसको प्रोलॉन्ग नहीं करता, वो मैं उस पर कुड़ता नहीं रहता, और दूसरे के साथ भी मैं वो बुग्ज नहीं रखता। गुस्सा किया वहीं पे, सामने ही आपको बता दिया कि भाई ये आप गलती है, के बस साथ फिर बाद में मसला है, एंड उसके बाद आई एम नॉर्मल। सर अच्छा, अब हम प्रोग्राम के एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। सर बस एक कोट ऐसा या कोई ऐसी एक बात जो आपने अभी तक सीखी और आप बताना चाहें अपने स्टूडेंट्स को और जो लोग आपको सुन रहे हैं, कोर्स तो बहुत कोई सारे ऐसा हैं। मैं कोट जो आपकी आपने अपनी जिंदगी में सीखा हो या कोई ऐसी बात जो आपने अपनी जिंदगी पर अप्लाई की और जो आप अभी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 9 है उसके लिए उसका आउटकम हो। चूंकि वो आपने शुरू में एक इजहार भी किया कि आप साइकोलॉजी की तरफ जाना चाहती है, और मेरा ख्याल है हर इंसान के अंदर थोड़ी सी तो साइकोलॉजी की वो होनी चाहिए। तो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप दूसरे शख्स को समझना चाहते हो तो यू शुड बी अ गुड लिसनर। आप अगर अच्छे सुनने वाले नहीं हैं तो आप अच्छे समझने वाले भी नहीं हैं। तो वो अपने अंदर आप सलाहियत पैदा करें कि आप लोगों को सुनें। हम में से बहुत से लोग उस मामले में शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि आधी बात सुनी और नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की, वो तो उसको मेरा ख्याल है अवॉइड करना चाहिए। वन जी शुड बी अ गुड लिसनर। मेरी अम्मा अक्सर इसी बारे में बात करती हैं कि बेटा अल्लाह ने तुम्हें दो कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। ये लॉजिकली सोचो कि अल्लाह ने कहा है कि सुनो ज़्यादा और बोलो कम। ट्रू, वेरी सो ट्रू। दैट शी टेल मी, आंखें भी दो हैं, देखो भी, देखो ज़्यादा। सो थैंक यू सो मच सर, इट एंड वाज अ प्लेजर। दैट वाज माय प्लेजर टू टॉकिंग टू यू सर, एंड यकीनन आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों का मुझे नहीं पता क्योंकि अक्सर हम लोग बाहर दो दो लोगों को बात करता सुन रहे होते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन फॉर मी इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फीडबैक आएगी पता चल जाएगी। ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा भी। तो आज के लिए इतना ही, और यकीनन आप लोगों को शो पसंद आया हो, और अगले एपिसोड के साथ हम दोबारा वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।